होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, पता है साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। एमपी के रीवा में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। पति से झगड़े के बाद पत्नी ने 2 साल और 4 महीने की मासूम बेटियों की गला घोटकर की हत्या, फिर खुद भी लगा ली फांसी। कोरोना में सिस्टम का दर्द, भोपाल एम्स में तड़पते पिता को लेकर भटकता रहा युवक। वीडियो बनाकर कहा, कोई तो करो मदद, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टरों का भी नहीं है कोई पता। एमपी में 18 प्लस को 5 मई से लगेगा वैक्सीनेशन। सीएम शिवराज बोले, सभी को रहेगा फ्री, पत्रकारों को भी जिलेवार लगेगा टीका। अधिकारियों ने बैठक के बाद लिया निर्णय। शमशान घाट पर लगाई शिक्षकों की ड्यूटी। धार जिले के नर्मदा के घाटों पर बाहरी शवों का नहीं होने दिया जाएगा अंतिम संस्कार। मनावर धर्मपुरी SDM के आदेश का पालन कराएंगे शिक्षक। एमपी के उज्जैन के युवा डॉक्टर हुए संक्रमित, तो खड़ी कर ली 60 डॉक्टर्स की टीम। घर में ही इलाजरत मरीजों को देते हैं फ्री परामर्श, वीडियो कॉल से ले सकते हैं आप भी मदद। शिवराज सरकार एमपी में DSP के खाली पदों पर 160 TI को देगी प्रभार। नोटिफिकेशन जारी, हकीकत 1080 में से सिर्फ 250 तक ही हो पाएंगे प्रमोट। एमपी में कोरोना अब होने लगा है मामूली तौर पर काबू। प्रदेश में 5 दिन में रिकवरी रेट 2% से ज्यादा बढ़ी। संक्रमण दर में भी मामूली आई कमी। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर स्मार्ट सिटी ICC के माध्यम से वीडियो कॉलिंग द्वारा होम आइसोलेट मरीजों से बात कर उनके स्वास्थ्य की ली जानकारी। सागर जिले के बीना में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 3 लोगों पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। बीना के बसाहरी डार्ड रोड पर 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर होने के से एक बाइक चालक की हुई मौत, तो वहीं एक महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बीना के गांधी बोर्ड में 28 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीना शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ निकले 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज। बीना सिविल अस्पताल में आए दिन हो रही डॉक्टर व स्टाफ पर हमले की कोशिश, नहीं रखे जा रहे हैं सुरक्षा गार्ड। बीना में रोको टोको अभियान के तहत शुरू से लेकर अब तक 1,457 वाहन चालकों से 1,45,700 रुपये वसूला गया जुर्माना। बीना के चतराताड़ा गांव में SDOP के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस की टीम ने दबिश देकर 12,000 लीटर कीमत 24,000 रुपये की कच्ची शराब का लहान किया नष्ट। बीना के मंडी बामोरा में सख्ती के साथ पुलिस द्वारा कराया जा रहा है लॉकडाउन का पालन। बिना वजह के घूमने वाले 2 लोगों को भेजा खुली जेल। इसके अलावा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले एक व्यक्ति पर मामला किया दर्ज। बीना के मंडी बामोरा में कोविड केयर सेंटर बनाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। केल कोरोना सर्वे अभियान को लेकर खुरई के ऑडिटोरियम में SDM ने ली बैठक। अभियान से जुड़े सभी बिंदुओं पर विस्तार से दी गई जानकारी। खुरई की सड़कों पर बिना जरूरी काम के बाजारों में घूम रहे 20 लोगों को प्रशासन ने भेजा खुली जेल। गलियों में भी पुलिस ने अभियान के तहत कई लोगों पर की कार्रवाई। खिमलासा के नए बस्ती में 29 मार्च को एक 25 साल की नवविवाहिता का शव जली हुई हालत में खुरई अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज, जिस पर पुलिस ने नवविवाहिता के पति सहित ससुर को किया गिरफ्तार। खुरई के शहरी थाना देहात थाना SDM कार्यालय में शादी की अनुमति लेने दर्जनों की संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। खुरई वन विभाग में डिप्टी रेंजर बवेले एक बार फिर आए वापस। कुछ महीनों पहले उनका किया गया था तबादला पन्ना, अब फिर खुरई का संभालेंगे प्रभार वन विभाग में। खुरई के पंडित KC शर्मा एक्सीलेंस स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरी, बड़ा हादसा टला। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए,
प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ। सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।